नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुजी जी के टिक्स पर, विच इज अ पार्ट ऑफ टारगेट 24 शिक्षा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं गुप्तचर एवं जांच संगठन और इसके प्रमुख जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरे ध्यान से देखना है, और वीडियो के लास्ट में आप देखोगे कि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले है, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए संजय कोठारी तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी है संजय कोठारी। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, यहाँ पे बात आ रही है सतर्क रहने की। तो हुआ क्या मेरे भाई, एक बंदा था जो कि एक नई कॉलोनी में अपना एक घर बना रहा है। अब घर को हम आम भाषा में क्या कहते हैं, कोठी कह देते हैं। घर को आम भाषा में क्या कह देते हैं, कोठी कह देते हैं। तो कोठारी को आपको रिलेट करना है कोठी से, यानी कि वो बंदा एक कोठी बना रहा था मेरे भाई। अब उस बंदे का जो पड़ोसी था या फिर हम कह सकते हैं एक रिश्तेदार था, तो उससे आकर के क्या कहता है, मेरे भाई तू कोठी तो बना रहा है लेकिन यहां थोड़ा सतर्क रहना। भाई क्यों सतर्क क्यों रहूं मैं? सतर्क इसलिए रहना मेरे भाई क्योंकि इस कॉलोनी में, ये कॉलोनी जो है ना मेरे भाई, सन्नाटे से भरी है। संजय यानी कि सन्नाटा, संजय यानी कि सुन्न है ये कॉलोनी मेरे भाई, सन्नाटे से भरी हुई है कॉलोनी, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना मेरे भाई। वो डरा रहा है क्योंकि मेरे भाई रिश्तेदार पड़ोसी कभी नहीं चाहते कि बंदा सक्सेस हो, ठीक है ना, मैक्सिमम यही होता है। तो यहां देखो वो बंदा क्या कह रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहना मेरे भाई इस कॉलोनी में। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी सन्नाटे से भरी है, सुन है मेरे भाई। तो कोठारी यानी कि कोठी, तो सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन हो जाएंगे, संजय कोठारी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी ऋषि कुमार शुक्ला तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, सीबीआई का आप सभी को पता है भाई, सीबीआई की एक बार किसी बंदे पर नजर हो गई ना तो भैया उसको तो फिर छोड़ेगी नहीं, उसकी तो पूरी कुंडली निकालेगी वो। अब नजर होने से मेरा मतलब क्या है, नजर होने से मेरा मतलब है कि भाई अगर किसी पर शक हो गया ना मेरे भाई, अगर किसी पर शक यानी कि शुक्ला, ठीक है, यहां पे लिखा है शुक्ला जिसको हम रिलेट कर रहे हैं शक से, अगर सीबीआई का किसी बंदे पर शक हो गया ना मेरे भाई, उस पर तो जांच होगी। अब वो बंदा चाहे कोई ऋषि हो या फिर कोई कुमार हो मेरे भाई, या तो ऋषि हो या कुमार हो, कोई भी हो मेरे भाई, सीबीआई का अगर किसी पर नजर हो गई ना, किसी पर अगर शक हो गया ना, शुक्ला मीन शक हो गया ना, तो उस पर तो मेरे भाई जांच होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन हो जाएंगे, ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी अरविंद कुमार तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक हैं अरविंद कुमार। देखो अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। हुआ क्या मेरे भाई, एक बंदा था जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था भाई, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। अब हुआ क्या कि उसकी जो दादा दादी है ना मेरे भाई, उससे क्या कहते हैं, मेरे बेटे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तू तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन तुझे किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए अरे बिंदी लगा ले, अरविंद यानी कि अरे बिंदी लगा ले, काड़ी बिंदी लगा ले मेरे बेटे, तू इंटेलिजेंट है ना, इतना इंटेलिजेंट है तू, किसी की नजर लग जाएगी तो, इसलिए अरे बिंदी लगा ले, अरविंद यानी कि अरे बिंदी लगा ले। क्यों? क्योंकि तू इतना इंटेलिजेंट है किसी। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको आप शॉर्ट में रा कहते हैं, इसके वर्तमान निदेशक कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी सामंत गोयल तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के जो निदेशक हैं वो हैं सामंत गोयल। अब इसको देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे मेरे भाई। पहले के जो जमाने थे ना, यानी कि राजा महाराजाओं का जो टाइम था ना, उस टाइम पे अगर किसी भी चीज के बारे में कोई रिसर्च करानी होती थी या फिर कोई एनालिसिस किया जाता था, कोई रिसर्च करानी होती थी या फिर किसी चीज का, किसी कांड का कोई एनालिसिस होता था, ठीक है, तो वो एनालिसिस कौन करता, ऐसी चीजों को एनालाइज कौन करता था, ऐसी चीजों के बारे में रिसर्च कौन करता था, सामंत करते थे मेरे भाई। उस टाइम पे सामंत होते थे ना, तो वो सामंत रिसर्च करते थे, ठीक है, ध्यान से सुनो। रिसर्च और एनालाइज पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम पे कौन करते थे, जो सामंत लोग होते थे ना वो रिसर्च करते थे। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अब एग्जाम में ये चीज आपको मिलेगी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो आपको ध्यान आएगा कि रिसर्च और एनालाइज कौन करते थे, सामंत करते थे ना मेरे भाई राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के वर्तमान निदेशक है ऑप्शन सी सामंत गोयल।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के वर्तमान महानिदेशक कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी श्री योगेश चंद्र मोदी तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के जो महानिदेशक हैं वो हैं श्री योगेश चंद्र मोदी। अब इसको देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे मेरे भाई, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में या फिर हम कहें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो योगेश को हम समझेंगे कि ये लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी जी, और यहां पे लिखा हुआ है मोदी जी, आप सभी जानते हैं मोदी जी को। तो मेरे भाई यूपी में योगी जी और हमारे केंद्र में मोदी जी कुछ ना कुछ नए अन्वेषण कर रहे हैं मेरे भाई, कुछ ना कुछ नए आविष्कार कर रहे हैं रोजाना के दिन प्रतिदिन के महीनों में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए अन्वेषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और हमारे केंद्र में कौन कर रहे हैं, मोदी जी। तो योगी जी और मोदी जी कुछ ना कुछ मेरे भाई अन्वेषण कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के जो वर्तमान महानिदेशक है वो है श्री योगेश चंद्र मोदी। प्लीज दोस्तों बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए और रिलेट कराने के लिए चीजें बताई। नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ के वर्तमान निदेशक कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी सतीश चंद्र झा तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ के जो वर्तमान निदेशक हैं वो है सतीश चंद्र झा। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई यहां पर बात हो रही है टेक्निकल रिसर्च की। अब आपको पता है मेरे भाई अगर कोई भी टेक्निकल रिसर्च हो रही है तो वो एक दो दिन में तो नहीं हो जाएगी ना, उसमें तो टाइम लगेगा। और मेरा भाई कितना टाइम लगेगा, 30-30 दिन लग जाते हैं भाई, सतीश यानी कि 30-30 दिन लग जाते हैं। कोई भी टेक्निकल रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो वो एक दो दिन में तो नहीं होगी ना, उसमें 30-30 दिन लग जाते हैं यानी कि सतीश। तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ के जो वर्तमान निदेशक हैं वो है सतीश चंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए चैलेंज, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वर्तमान अंतरिम निदेशक कौन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव कोई भी विचार अगर है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।